नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन ऐड करने की, जोड़ने की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, हम क्या जोड़ने में गलती करते हैं, वो आज सब बताऊंगा मैं आपको इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। इसकी पहली प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम जैसे मानो a प्लस बी है या 5 प्लस 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 3 8 आएगा। a प्लस बी है, अगर हम इसको b प्लस ए भी कर देते हैं, मतलब इनको आगे पीछे भी कर देते हैं, a प्लस बी था मतलब 5 प्लस 3 था, तो हमने आगे पीछे करके 3 प्लस 5 कर दिया, तब भी आंसर सेम ही रहेगा, दोनों का आंसर आएगा 8। इसका भी 8 आएगा, इसका भी 8 आएगा, मतलब अगर कोई भी डिजिट है आपकी 3 प्लस 2 है, आप ये 3 प्लस 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, 2 प्लस 3 करेंगे तब भी 5 आएगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी यही है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसमें हम डिजिट को आगे पीछे करें आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, एसोसिएटिव। इसमें क्या होगा, हम अगर मानते हैं जैसे a प्लस बी प्लस सी है, हमने पहले क्या किया, b प्लस सी किया, b और c को जोड़ा हमने, फिर इसके बाद हमने इन दोनों में a को जोड़ा, जैसे मानते हैं 5 प्लस 3 प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 क्या आएगा, 5 प्लस 5 10 आएगा। अब मान लो हमने क्या किया, हमने इधर क्या किया है, पहले b और c को ऐड किया है, अब हम a और b को ऐड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी को एक साथ लेते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब है पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल पर, प्लस c, हम पहले a और b को ऐड करेंगे फिर करेंगे c को ऐड, तो हमने a क्या माना था, ये सब हमने ऐसे माने हैं, a 5 माना था, b 3 माना था हमने, और c क्या है, 2, इन दोनों को ऐड किया हमने, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, अब भी आंसर क्या आया, सेम। मतलब ये है एडिशन में, हम किन्हीं भी दो को पहले कर सकते हैं, तीन को, किसी भी डिजिट को हम ऐड कर सकते हैं, a प्लस सी करेंगे तब भी सही आंसर आएगा, a प्लस सी करेंगे बाद में b को ऐड करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। देखते हैं, हमने क्या किया, a प्लस सी प्लस बी, मतलब है a और c को हम पहले ऐड कर रहे हैं बाद में करेंगे b को ऐड, a हमने माना था 5, b माना था हमने 3, c माना था 2, इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस 2 7 प्लस 3 क्या आया, 10। तो मतलब यही है एडिशन में, एडिशन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम किन्हीं भी दो को या किसी को भी ऐड कर सकते हैं, अगर कोई भी प्लस का है हम किन्हीं भी दो को किसी को भी ऐड कर सकते हैं, फिर बाद में दूसरा ऐड कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी एडिशन की ये है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। इस प्रॉपर्टी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने माना a है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, a की मल्टीप्लाई करनी है हमें b प्लस c में, ठीक है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक तो यहां पर क्या है, हम b प्लस c को ऐड करके a के साथ मल्टीप्लाई करें, एक हमारा क्या बनता है, a इंटू बी, हम क्या करते हैं a की मल्टीप्लाई पहले b के साथ करते हैं और फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ करते हैं, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया है, a की पहले मल्टीप्लाई हो रही थी b प्लस c के साथ और अब हमने a की मल्टीप्लाई अलग b के साथ की है, फिर a की मल्टीप्लाई अलग c के साथ की है। देखते हैं क्या आंसर आता है, a हम मानते हैं 5, b 3, c 2,
फाइव इंटू ब्रैकेट के अंदर 3+2, बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम 3+2 सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 5, 5×5=25। अब देखते हैं इधर क्या आंसर आएगा, मतलब आप इनको ऐसे भी मान सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आंसर आया है, 25, और RHS पर चेक करते हैं, A हमारा क्या था 5, B है हमारा 3, फिर A है हमारा 5, C है हमारा 2। बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले होगा, ऐसा नहीं है कि आप ऐड कर दें इन दोनों को, 5+3 8 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, पहले ये सोल्व होगा इतना और ये होगा, दोनों होंगे, मल्टीप्लाई पहले होगा। 5×3=15 5×2=10, 15+10, 15 में हम 10 को जोड़ेंगे आएगा 25, 25। कोई चेंज हुआ आंसर में? कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव में ये है कि या तो आप, अगर आपको एक ही डिजिट की अलग अलग डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो जो सेम डिजिट है उसको आप बाहर निकाल लें और सभी की मल्टीप्लाई कर लें। इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल से, मानिए आपको 3×5 करना है प्लस 7×5 करना है प्लस 2×5 करना है। अब ये देखिए आपको इन सभी को सोल्व करना है, ऐड करना है, और इन सभी में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, 5, तीनों में क्या है 5, तो आप 5 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। फिर इधर क्या है, यहाँ बचा 3 लिखेंगे प्लस, इन दोनों में से हमने 5 को बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, वो यहाँ पर आ गया। इन दोनों में से हमने 5 को बाहर लिया, यहाँ क्या बचा, 7, 7 आ गया प्लस, इन दोनों में से हमने 5 को बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2, 2 यहाँ पर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 5 ब्रैकेट के अंदर 3+7+2, 5 ब्रैकेट का मतलब है बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, इनको ऐड कर लेते हैं, 7+3 10 +2 12, 12 5 जा 60। तो मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें एक डिजिट जो है वो सभी के साथ है सेम, तो हम उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं, अंदर वालों को प्लस करके, बहुत ही इजी हो जाएगा। वरना आप क्या करते, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर तीनों को ऐड करते, आंसर तब भी सेम आएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर आपका सेम ही आएगा आप कैसे भी करें। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट्स, समझिए इसको क्या मतलब है इसका। इसका क्या है, अपोजिट, जैसे मान लो एक डिजिट है हमारी, ये प्लस की ए है, प्लस का ए, हमने इसमें अपोजिट, इसका उल्टा, प्लस का ए है मतलब माइनस का ए जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, हमेशा आंसर आएगा 0। मतलब ये है कि ए में से हमने ए को घटा दिया तो हो गया 0, ए हमने माना 5, 5 में से 5 को माइनस कर दिया तो आएगा 0। मतलब अगर सेम है, साइन अलग अलग है, दोनों सेम है, ए और ए, एक का साइन प्लस है एक का माइनस है, तो हमेशा आंसर आएगा आपका 0। यह प्रॉपर्टीज ऑफ अपोजिट, अगर आपके दोनों सेम है, साइन अलग अलग है, तो हमेशा 0 आएगा, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 5 में से 5 गया कट गए, हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें देखिए क्या है, अगर हम किसी भी डिजिट के साथ प्लस 0 करते हैं या किसी भी 0 के साथ हम कोई डिजिट ऐड करते हैं, ठीक है, हमेशा आंसर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आपके पास 50 रुपये थे और मैंने 0 रुपये दिए, मतलब कुछ नहीं दिया, तो कितने रहेंगे आपके पास, वही रहेंगे। माना हमने 50 रुपये थे आपके पास, मैंने 0 रुपये दिए, तो कितने हो गए आपके पास, 50 ही रहेंगे। यहाँ मानते हैं
कि आपके पास कुछ नहीं था, मैंने 50 रुपये दिए, तो क्या आपके पास 50 रुपये ही हैं? ऐसा नहीं है कि पहले कुछ था, अब मैंने कुछ दिया तो बढ़ गया, सेम ही रहेगा। मतलब है कि ऐड करने में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं किसी के साथ, या जीरो में किसी को ऐड करते हैं, हमेशा आंसर सेम रहेगा, आंसर रहेगा सेम, जिसमें हमने ऐड किया है, जिस डिजिट में हमने कुछ ऐड किया है वही आंसर रहेगा। इसकी लास्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, ये सभी बहुत ही काम आते हैं जब आप बोर्ड मास के क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ अपोजिट नंबर्स, ये देखिए हमने माना दो नंबर हैं ए और बी, लेट किया हमने, ए और बी दो नंबर हैं, हम क्या करते हैं इन दोनों को अपोजिट कर देते हैं, माइनस ए माइनस बी कर देते हैं, हमने अपोजिट कर दिया इन दोनों को, माइनस ए माइनस बी, हमने माना ए क्या है 5 है, बी हमने माना 2 है, तो आंसर क्या आएगा 5 + 2 = 7, और दोनों के साथ माइनस है, माइनस आएगा, मतलब माइनस और माइनस की अगर दोनों डिजिट हैं हम ऐड करेंगे तो साइन हमेशा माइनस का आएगा, और उन दोनों को डिजिट को ऐड करके लिखेंगे। इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पर जीरो है, मैंने आपको पिछला लेक्चर है एक उसमें समझाया है मैंने आपको कि नंबर लाइन पे हम कैसे ऐड करते हैं, इससे इधर होता है माइनस का, इधर होता है प्लस का, मतलब आप पीछे चलेंगे, अगर माइनस होगा तो पीछे चलेंगे, अगर प्लस होगा तो आगे चलेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 है, आप 5 कदम पीछे चलेंगे, फिर माइनस का 2 है, फिर दोबारा माइनस है तो आप 2 कदम और पीछे चलेंगे, तो आप आ जाएंगे 7 कदम पे पीछे, और इधर माइनस है 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस है तो माइनस आएगा, इसलिए आया -7। अब मानते हैं हम कि हमने माइनस लिया बाहर और ए और बी को ऐड कर दिया, मतलब ए और बी हम ऐड कर देते, या तो दोनों के साइन चेंज कर दो तो माइनस ए माइनस बी हो गया, या इन दोनों के बाहर ए लगा दो, सॉरी माइनस लगा दो, इन दोनों के बाहर या फिर माइनस लगा दो, तब भी आंसर सेम आएगा, ए हमारा था 5, बी है 2, ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 5 + 2 = 7, आंसर आएगा आपका सेम। ये थी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ अपोजिट नंबर, अगर अपोजिट नंबर हैं तो उनका सम कैसे कैसे कर सकते हैं हम, एक तो ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करो, माइनस का साइन लगा दो, या फिर माइनस का साइन बाहर रखिए आप और दोनों को अंदर ऐड करें, लिखें और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा आपका, तब भी आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा।